नमस्कार, आज हम करेले की सब्जी बनाएंगे। तो आइए, करेले की सब्जी के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? ये 300 ग्राम हमने करेले लिया है और ये एक बड़ा सा प्याज है, ये अदरक और लहसुन है और ये 3 हरी मिर्ची काट के रखे और ये 3 टमाटर है। तो आइए, इन सारी सब्जियों को हम बारीक बारीक काटेंगे। ये देखिए, हम करेले को हल्का हल्का सा छील रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, अगर आप ना चाहो तो आप ऐसे भी रहने दीजिए बिना छीले हुए। और अब हम इसको हम काटेंगे। ये देखिए, हम राउंड सर्कल्स में काट रहे हैं। ये देखिए, कौले करेले होते हैं तो उसमें बीज नहीं होता है, पर अगर आपको बीज निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमने करेले को काटा है और बाकी भी हम इस तरह से काटेंगे। करेले को हम इस तरह से काट के रखा है, इसमें नमक नहीं डाला है। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन किया है और अब इसमें हम ये 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ये तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है और अब इसमें हमने ये करेले डाले हैं। और इसको आप थोड़ा सा चलाते रहिए। ये देखिए, करेले को हम इसी तरह से 30 सेकंड के लिए तेज आंच पे ही रख देंगे। इसको हिलाना नहीं है, इसी तरह से आप इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, 30 सेकंड तक हमने जो रखा था वो पूरा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। अब हमने गैस कम कर दिया है और ये कुकर बंद करेंगे। ये कुकर को हम धीमी आंच में ही रखेंगे और इसमें जैसे स्टीम जमा होगी और विसल आने से पहले ही हम इसका गैस बंद कर देंगे। कुकर में विसल भर गई थी और अब हमने गैस बंद कर दिया है और अब ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ये मैंने गैस स्टार्ट कर दिया है, ये कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दीजिए। और अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। ये ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तो आइए, सबसे पहले हम इसमें ये लहसुन है ना, ये 7-8 कलियां ली थी मैंने लहसुन की, और ये लहसुन को हम सबसे पहले डालेंगे क्योंकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और ये अदरक भी हमने डाल दिया है, ये हरी मिर्ची है। और एक बार इसको हम फिर से चलाएंगे। ये प्याज को हमने 2 तरह से काटा है, एक लंबा भी है और एक चौकोन है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से प्याज डालना पसंद करते हो। अगर आपको प्याज बहुत बारीक चाहिए तो आप चॉपर से भी आप काट के डाल सकते हो। तो ये सारा प्याज हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो देखिए, ये प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक इसको सौते करना है। इसको तब तक आप चलाते रहिए जब तक ये प्याज को थोड़ा सा नरम ना हो जाए। ये देखिए, ये प्याज नरम हो गया है। ये देखिए, प्याज बहुत अच्छी तरह से पक गया है। और अब इसमें हम टमाटर जो हमने मिक्सर में पीस के रखे हैं वही हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो आप टमाटर ऐसे काट के भी आप डाल सकते हो। और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। और अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। ये 1 टीस्पून हम धनिया डालेंगे
और ये हाफ टी स्पून हल्दी डाला है। ये हमने हाफ टी स्पून तीखा लाल मिर्ची डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो आप कम भी डाल सकते हो। और अब मैंने गैस थोड़ा तेज कर लिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए करेले थोड़े से स्टीम में नरम हो गए हैं और ये करेले कड़वे नहीं रहते हैं, इसमें हमने नमक भी नहीं डाला है। ये देखिए ये करेले को हम इस थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। ये मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है और अब ये करेले हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम फिर से थोड़ा चलाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हो कि इसमें तेल बहुत ही कम डाला है, वो इसके लिए है कि हम इसमें मलाई डालेंगे और मलाई डालने से इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाती है। तो आपको घर बैठे होटल जैसा स्वादिष्ट खाना आप बना सकते हो। ये मसाले काफ़ी ड्राई है तो हम गैस की आंच तेज किया है और इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाला है। इसको तेज आंच पे ही इसका पानी सुखाएंगे, वो इसलिए है कि तो मसाले जो है वो पूरे अच्छी तरह से करेले में जाए। ये देखिए तेज आंच पे ही आपको रखना है। और अब हमने गैस कम कर दिया है। ये अब देखिए ये ग्रेवी फिर से ड्राई हो गई है और इसमें सारे मसाले जो है वो करेले में गए हैं। और अब इसमें हम और ये पानी भी सूख जाएगा। से 100 ml पानी डालेंगे और ये करेले को हम अच्छी तरह से पकाना है। ये करेले को हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको धीमी आंच पे ही इसको पकाना है। ये देखिए ये इसको 12 मिनट हो गए हैं और ये इसका पानी पूरी तरह से, ये देखिए पानी सूख गया है। और अब इसमें हम मलाई डालेंगे। ये देखिए घर में जो हमारी दूध से मलाई निकलती है, ये मलाई के 2 चम्मच हमने लिए हैं। ये देखिए इस तरह से रूम टेम्परेचर पर रखा है और इसको आप इस तरह से आप चलाते रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो है फ्रेश क्रीम के जैसा ही इसमें काम होता है। तो ये देखिए ये 2 टेबलस्पून मलाई हमने इसमें डाल दिया है। इसको फिर से हम चलाएंगे और ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम भी ना हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दही के भी डाल सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो 1 टेबलस्पून आप ऑयल लीजिए, उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची के साथ में तड़का दीजिए। करेले पक गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हमने गैस तेज़ किया है और 2 मिनट हम तेज आंच पे रख के ये ग्रेवी को और थोड़ा सुखाएंगे। अगर आप ग्रेवी इसी तरह से चाहते हो तो आप अभी गैस बंद कर सकते हो, और अगर आप थोड़ी सी ड्राई चाहते हो तो आप इसको 2 मिनट तक चलाइए। और अब इसमें हम ये गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला है। आप चाहो तो इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। और इसमें मैंने हरा मसाला पहले से डाल दिया है। ये देखिए ये पूरी तरह से बन गया है।
तो देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है और इसमें हम फिर से थोड़ा सा हरा मसाले की गार्निश की है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।